गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं. और यहां मिर्ज़ापुर में काफ़ी बरसात हो रही है. बरसात बढ़िया है, होना चाहिए. शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और सबसे पहले अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट में आपका मोस्ट वेलकम है, जहां पर इंडिया की टॉप बैंकिंग फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं. और ये जो करंट अफेयर्स है, ये सारे एग्जाम्स के लिए है. तो पहले अपने मन की भ्रांतियाँ निकाल दें. फॉर बैंकिंग, फॉर UPSC, फॉर SSC, फॉर रेलवे, फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें भी करंट अफेयर्स आता है. ठीक है, तो नरेंद्र सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, लुकेश सर क्वांट पढ़ाते हैं, मैं GA पढ़ाता हूँ, पांडव सर GA पढ़ाते हैं, निमिषा बंसल मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, श्याम सर रीजनिंग पढ़ाते हैं. तो ये लोग हमारे स्टार हैं जो कि अनअकैडमी वॉल्ट को चला रहे हैं आपके लिए. चलिए आइए शुरू करते हैं अपना सेशन. तो सबसे पहले मैं अनअकैडमी प्लस पर स्पेशल क्लास भी लेता हूँ 3 o'clock पर. वो सबके लिए फ्री है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहती है. वैसे आज क्लास नहीं है, कल थी क्लास. तो आप एक बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आइए, वो सारे बच्चे जो कभी आज तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नहीं आए. चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन. हमारा टॉपिक डेली करंट अफेयर्स 14 अगस्त, प्रेजेंटेड बाय अभिजीत मिश्रा. ठीक, आइए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की. 9 AM करंट अफेयर्स, 10 AM मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs. आज हम फिर जुलाई करेंगे, जुलाई के MCQs फिर करेंगे. मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं. मैं आपको जुलाई के 300 क्वेश्चन करा रहा हूं और अभी भी क्वेश्चन नहीं बनाना तो मुझे मत कहना. मैं तो क्योंकि इसमें तुम्हें याद नहीं होगा, मैंने तो पूरे क्वेश्चन करा दिए. ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं. मेरा कोर्स चल ही रहा है, आपको पता है. तो 1 o'clock से मेरी क्लास होती है डेली, 1 o'clock से 2:30, डेढ़ घंटे की मेरी क्लास होती है. बढ़िया क्लास होती है, अच्छी क्लास होती है. एक बार मेरा प्रोफाइल आप चेक करें अनअकैडमी पर, 99% रेटिंग चल रही है मेरी, और वो भी आप लोग की वजह से. चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी प्लस. तो अगर आपको बैंकिंग, रेलवे, SSC, UPSC, CSET कोई भी एग्जाम देना है, कैट का इवेंट, तो आप हमारे प्ले प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए. और प्लस प्लेटफॉर्म पर आने से आपको फायदा क्या होता है? बड़े जेन्युइन प्राइस से आप चाहें तो हमारा कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं. सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, किसी भी एजुकेटर को आप देख लो जो कि अच्छा है, जो कि बढ़िया पढ़ाता है, अच्छे कंटेंट रखा है, वो अकेडमी पे, अनअकैडमी प्लस पे है. तो एक बार आपको फीस पे करनी है और सारे फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे. आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये क्लियर करिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है और उस एग्जाम के लिए हमारा कोर्स परचेस करिए. और परचेस करने के बाद आप देखिए सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए खुल जाएंगे. हाँ, आप कोई भी एग्जाम परचेस करो, कोई भी कोर्स परचेस करो, आपको ये कोड ध्यान देना है, AM Live. तो AM Live कोर्स से आपको डिस्काउंट मिलेगा. जैसे हमारे पास 6 month का, 12 month का और 2 year का भी सब्सक्रिप्शन है. और उसके लिए प्राइजेस क्या होते हैं? 1 year के लिए प्राइस 5000 है. 5000 केवल GA के लिए नहीं, 5000 पूरे पैकेज के लिए. मतलब एक बार आपको 5000 रुपए देने हैं और आपको सब कुछ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. अच्छा, ये 5000 आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो ये डिस्काउंट में आपको 4500 पड़ेगा. तो देर किस बात की, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को. चलिए तो ये 2 साल की फीस हमारी 8000 है और अगर आपने इस कोड का यूज किया तो 7200 फीस पड़ जाती है आपको. चलो आगे बढ़ते हैं गाइज. और सबसे पहले हम अपने मोटिवेशनल कोच की बात करेंगे और हमारा मोटिवेशनल कोच आपके सामने. ये मोटिवेशनल कोच ध्यान से देखना, ये मोटिवेशनल कोच तुम लोग के लिए, ये मोटिवेशनल कोच वो उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी लाइफ में अभी लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने में. जब मैं प्रिपरेशन करता था तब भी मुझे ये कोट कोई बोलता तो मुझे अच्छा लगता. कोटेशन क्या है ध्यान से देखिए जरा एक बार. मोटिवेशनल कोच है, डू वॉट इज राइट, नॉट वॉट इज ईजी, नॉर वॉट इज पॉपुलर. आपको वो करना चाहिए जो सही है. अब ये नहीं कि कई बच्चों ने आपसे बोला कि यार एक काम करो, सुबह उठ के द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक काम करो, रात भर पढ़ा करो मैथमेटिक्स. तो कहने का मतलब कि ठीक है, राय ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा बोला ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस दोनों अलग अलग है. हो सकता हो कि आप रात में पढ़ाई ना कर पाते हो तो मॉर्निंग में उठ जाइए. हो सकता हो कि आप रात में ही पढ़ाई कर पाते हैं तो रात भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज करिए जिससे आप कंफर्टेबल है. तो इच्छा अपने अंदर से आती है, पढ़ने की इच्छा अपने अंदर से आती है. जब हमारा सब कुछ लुट गया होता है, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है लाइफ में, तो हम डिसीजन लेते हैं कि हमें तैयारी करनी है. और आपको पता है कि फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन. अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं पाई तो यार वो चीज है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. कोई इजी वे तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. मेहनत करिए, आप रॉकस्टार हैं, आप मेहनत करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से मेहनत करिए. आपका माइंड आपको यह बताएगा आपकी क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे आपको पढ़ना है, किन चीजों को फॉलो करना है. गाइडेंस फैकल्टी से लीजिए ना, समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं. तो दुनिया की बातें नहीं सुननी है, आपको अपने दिल की आवाज सुननी है. और यकीन मानिए आप बेस्ट इंसान है अपने लिए.
तो पॉपुलर चीजों पर ध्यान मत दीजिए, इजी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और पहली न्यूज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट में कौन कौन से पॉइंट हम आपको दिखाने वाले हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, शुरुआत कर कल। अच्छा हाँ, कल रक्षाबंधन भी है। सुबह सुबह यार बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुझे कुछ रक्षाबंधन आए हैं, और ये तो मेरा नया ड्रेस पर आया इसलिए कम आए हैं, अभी और भी आएंगे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी ये सब। तो हैं बच्चियों ने भेजे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने लाइफ में कुछ अर्न किया या नहीं किया, लेकिन मैंने एक चीज़ अर्न की है, वो है आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका साथ। और यकीन मानिए हम बहुत आगे जाएंगे, हम बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, सबको आगे लेके चलेंगे। बात केवल सिलेक्शन की नहीं, बात ये है सबका नाम होना चाहिए इस दुनिया में, हमारे तो कुछ करके जाएंगे ना। आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमने भी बैंक की जॉब छोड़ी है, क्लैरिकल छोड़ी है, तो कुछ आए हैं, कुछ करके जाएंगे। और थैंक यू सो मच इसके लिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और क्या बोलूँ मैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं अपने पहले न्यूज़ की। और पहला न्यूज़ हमारे सामने, अनुराग अदलखा अपॉइंटेड एज यस बैंक CFO रिप्लेसिंग अहूजा। कौन अहूजा? राज अहूजा, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यस बैंक का नाम याद रखना है, यस बैंक ने अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है, जिनका नाम होगा अनुराग अदलखा। ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे राज अहूजा को, आगे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा ठीक है। तो ये इनकी पिक है, और ये यस बैंक की पिक आपको दिखाई पड़ रही है, देखिए। तो टेबुलर फॉर्म में अपॉइंटेड पर्सन अनुराग अदलखा, ठीक। पोस्ट नेम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बैंक नेम यस बैंक एंड रिप्लेस टू राज अहूजा। तो अनुराग अदलखा ने राज अहूजा को रिप्लेस किया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए यस बैंक के। तो ये पार्ट आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा, आप रॉकस्टार हैं, आप कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तने, बिल्कुल SSC के लिए भी जरूरी है बेटा हमारा करंट अफेयर्स। एक बात बताइए कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये SSC के एग्जाम में नहीं आता है? अपना दिमाग लगाओ ना यार, अभी जो पेपर हुए हैं अभी SSC के 18 वाले वो देख लो, रेलवे के पेपर देख लो, कैसे करंट अफेयर्स आते हैं वो देखो। मैंने क्या बोला, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। इंडिया में स्टूडेंट जो बेसिकली नॉर्थ पार्ट से आते हैं, हरियाणा राजस्थान इनसे आते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी इनकी होती है कि डेटा पर वो वीक होते हैं। साउथ के बच्चे मैक्सिमम एग्जाम क्यों क्वालिफाई करते हैं? बिकॉज वो डेटा पे स्ट्रांग होते हैं, डेटा। जी समझिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए आइए यस बैंक के बारे में थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, तो यस बैंक के MD और CEO कौन है? तो यस बैंक के MD और CEO जो है उनका नाम है रवनीत गिल इनका नाम है, और एक हाँ ठीक है, और उसके बाद पार्ट टाइम चेयरमैन ब्रह्मदत्त हैं, फाउंडर राणा कपूर एंड अशोक कपूर, फाउंडेड 2004 एंड टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। अब जो रेलवे SSC के बच्चे हैं उनके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनके लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप रख दीजिए। तो हर एग्जाम बेटा, सब एग्जाम के लिए जरूरी है हमारा करंट अफेयर्स, और इतने डीप में इंफॉर्मेशन साथ में रिविजन, यार मैं भी देखता हूं करंट अफेयर शो, मुझे तो नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के दूसरे न्यूज की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की ही बात कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग चंद्रिमा शाह की बात कर रहे हैं। चंद्रिमा शाह टू बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INSA फ्रॉम 2020। तो 2020 से चंद्रिमा शाह INSA की प्रेसिडेंट बनेंगी, और ये फर्स्ट वुमेन है। अब ये INSA क्या है, हम उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। नाम आपको लर्न करना है चंद्रिमा शाह। चलिए देखिए यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए। तो अपॉइंटेड पर्सन, नाम क्या है इनका, मिस चंद्रिमा शाह, ठीक। पोस्ट, किस पोस्ट पे ये अपॉइंट हो रही है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, जिसे हम INSA बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो INSA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, और ये जनवरी 2020 से अपॉइंट होंगी, तो ये भी बात आपको लर्न करनी है, ठीक है। जी जी बिल्कुल सही। तो हम लोग चंद्रिमा शाह की बात कर रहे थे, ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की प्रेसिडेंट बनेंगी, फर्स्ट वुमेन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये सारी न्यूज हमने आपको दिखा दी। अच्छा किसको ये सक्सीड करेंगी, चंद्रिमा शाह किसको सक्सीड करेंगी? तो ये अजय के सूद को सक्सीड करेंगी, अजय के सूद, सोनू सूद याद है ना, सोनू सूद। तो सोनू सूद याद कर लो, अपने आप ऑप्शन में दिख जाएगा तुम लोग को, अजय के सूद, अजय देवगन, सोनू सूद मिला देना। और फॉर्मर डायरेक्ट, ये मतलब जो चंद्रिमा शाह थी वो क्या थी, वो पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
इम्यूनोलॉजी की डायरेक्टर थी दिल्ली में। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, हमने दो दो पॉइंट पढ़े आज। एक तो हमने यस बैंक की बात की और दूसरी हमने किसकी बात की, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की। ठीक है, तो ये पार्ट हमने आपको करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अबाउट द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं, तो इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक, इसका काम क्या है, ये हमारे देश में अपेक्स बॉडी है साइंस। देखिए यहां पर द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी इन न्यू दिल्ली इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन साइंटिस्ट रिप्रेजेंटिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे देश में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी ब्रांचेस हैं उसकी ये अपेक्स बॉडी है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देख लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट 7 जनवरी 1935 न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट थे अजय के सूत, लेकिन अब ये रिप्लेस हो जाएंगे 2020 में। ठीक है, और फाउंडर लुइस ले फेरमोर, ये एक ब्रिटिशर थे, इन्होंने इसे फाउंड किया था। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, दो पार्ट हमने पढ़ लिए अपॉइंटमेंट के। अच्छा, तीसरा पार्ट भी है, ग्वाटेमाला, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, जिनका नाम है अलेजांद्रो गिया माटेई। तो अलेजांद्रो गिया माटेई, कैसे याद करें, ग्वाटेमाला, 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 माला हम लोग पहनते हैं, कौन सा माला, गिया माटेई। माटेई को हम मिट्टी बोल सकते हैं, मिट्टी, मिट्टी की माला, मिट्टी की माला, इतना भी हम लर्न कर लेंगे तो काम आ रहा हो जाएगा, मिट्टी की माला, ग्वाटेमाला, मिट्टी, गिया माटेई, अलेजांद्रो। ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर ने मिट्टी की माला पहनी, तो इस तरह से कहानी, इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा, अलेक्जेंडर नाम मिल रहा है, अलेजांद्रो। ठीक है, तो ग्वाटेमाला के क्या बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको ये प्रेसिडेंट बने ये तुमको मालूम चल गया, तो इसमें हम टाइम कम देंगे, आगे बढ़े। और ग्वाटेमाला कहां पे होता है, देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहां पर आपको वहां पर आपको ग्वाटेमाला दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्वाटेमाला की इंफॉर्मेशन। ठीक, आगे बढ़े, और ये ग्वाटेमाला के स्टैटिक पॉइंट। तो ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको नाम मालूम चल गया, मिट्टी की माला वाला पार्ट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट जफेथ काबेरा है, और करेंसी है देख लीजिए यहां पर, ग्वाटेमाला की क्विट्ज़ल। तो हर देश की कैपिटल और करेंसी आपको लर्न करनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो अबाउट ग्वाटेमाला आपने यहां पे सारी इंफॉर्मेशन देख ली है। देखिए मैं तो ऐसे ही याद करता था, मैंने जब भी याद किया है, मुझे टफ से टफ नेम याद नहीं होते थे, तो मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ देता था, एग्जाम में आएंगे तो मुझे मालूम था, ऑप्शन से मैं कर दूंगा। तो ये सब चीजें अपने से डेवलप करने वाली बातें होती हैं, आपका दिमाग तेज होगा। दिमाग तेज कैसे होगा, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, दूध पीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा, है ना, मैं तो यही करता हूं। चलिए, रिसेंट अपॉइंटमेंट देखिए, एक बच्चे ने मुझसे रिसेंट अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीज मांगा था लिस्ट। तो मैं कोई भी चीज आपको अलग से नहीं देता, मैं अपने ही करंट अफेयर्स में उसे ऐड कर देता हूं, ताकि हर बच्चे को यह इंफॉर्मेशन हो जाए। और यह मेरा प्रॉमिस है कि आप रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का दो, या बैंकिंग का दो, यह सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नए सेक्रेटरीज कौन कौन से अपॉइंट हुए हैं, जैसे अजय कुमार भल्ला, ये हमारे देश के होम सेक्रेटरी बने हैं, इन्होंने राजीव गौबा को रिप्लेस किया। और देख लीजिए, सुभाष चंद्र गर्ग ये सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर बने हैं। तो ये भी दो इंफॉर्मेशन, मजा आए तो यस कर देना कि हां सर मजा आया, बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दी है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट, रिसेंट अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे थे, आरएस शुक्ला। आरएस शुक्ला क्या बने, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक, और देखो रवि कपूर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो जो नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए उनकी पूरी लिस्ट आपको हम दे दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मयंक मुझे भी हाय हेलो बोल दो, है ना, क्यों किसी और को हेलो हाय डिस्टर्ब करो, पहले मुझे बुला करो, लग रहा है अभी आए हो, स्क्रीन वाइब्रेट हो रही है, कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझ लो, देख लो। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतानु चक्रवर्ती क्या बने, तो सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अतानु चक्रवर्ती। पीओ वाघेला सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में ये बने हैं, तो हमने ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी है। और देख लीजिए, अतुल चतुर्वेदी की बात कर ले, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, गुरु प्रसाद मोपात्रा की बात कर ले, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया था पहले भी, बस इसको हमने टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है, ताकि आप इसे आज रिविजन कर ले। हाँ, आज के तो खूब आता है, इसलिए दे रहे हैं, पहले भी बचा, इसीलिए आपको दे रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए
हाँ प्रपेश बोल रहे हैं कि सर आपका कोड हमने रेफर कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, लड़कियां रक्षाबंधन भेज सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, लड़के तो भेज नहीं सकते, तो लड़के कम से कम एम लाइव कोच को ही प्रमोट कर दो, है ना। चलो अनिल कुमार, ये तो अच्छा है कि मैं मिर्जापुर में हूं, मेरे बड़े पैसे खर्च होते हैं। अजय अनिल कुमार खांची की बात कर ले, ये सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में गए हैं। और अनुराधा मित्रा की बात कर ले, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमने सारे सेक्रेटरी की लिस्ट आपको दे दी है, कोई बहाना आपके पास अब नहीं होगा। अंशु प्रकाश, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, तो ये सब हमने आपको पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमी की बात करते हैं। तो पहला न्यूज हमारा अपॉइंटमेंट का कंप्लीट हो गया, हमने यस बैंक की बात कर ली, हमने साइंस एकेडमी की बात कर ली, है ना, हमने आपको पूरे सेक्रेटरी की लिस्ट दे दी, आई होप कि आप इसे लर्न कर लेंगे। चलिए अब बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमी में आपको हम क्या क्या न्यूज लेकर आपके लिए आए हैं वो दिखाते हैं। पहली न्यूज हमारे पास, तो हमारे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी डील आज तक की हुई है, रिलायंस की बात करें, आपको पता है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में बहुत दिन से है। सऊदी अरब की कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, पूरे विश्व की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है अरमाको, अरमाको विल बाय 20% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड केमिकल बिजनेस फॉर $15 बिलियन। तो सऊदी अरब की जो अरमाको कंपनी है वो रिलायंस जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है उसका 20% शेयर परचेस करिए $15 बिलियन में, $15 बिलियन में, मतलब $15 बिलियन हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा डील हुआ है। इसके पहले केवल $16 बिलियन की डील हुई थी किसकी, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की। तो बहुत बड़ी डील है, रिलायंस को फायदा क्या होगा, देखिए हमारे देश में वैसे भी पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल कम है, हमें ये सब इंपोर्ट करना ही होता है। और आपको पता है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हमारे गुजरात जामनगर में रिलायंस की। तो अरमाको जो है ये ऑयल सप्लाई करेगा रिफाइनरी के लिए कहां पर, जामनगर में। आइए देखते हैं, सारी बात करते हैं आपसे। देखिए कहां पे ये डील हुई, इवेंट का नाम 42nd एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में हुई, 42वीं एनुअल जर्नल मीटिंग रिलायंस की थी जहां पर ये इंफॉर्मेशन दी गई। सऊदी अरेबिया ऑयल कंपनी ने जिसने स्टेक परचेस किया है सऊदी अरमाको, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, ठीक। और देखिए सऊदी अरमाको विल बाय 20% स्टेक ऑफ RIL ऑयल एंड केमिकल बिजनेस, 20% अमाउंट। इसके लिए अरमाको $15 बिलियन देगा रिलायंस को, $15 बिलियन का मतलब क्या हो गया, 1.06 लाख करोड़ रुपीज नियर अबाउट। तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी डील इंडिया की हुई है ये आज तक की, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए मेगा डील, तो हम बात कर ले मेगा डील्स ऑफ इंडिया। तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील जो हुई है, 2018 में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की डील हुई थी $16 बिलियन की, दूसरे नंबर पे 19 में सऊदी अरमाको और रिलायंस की $15 बिलियन की, थर्ड नंबर पे 2016 में रोजरनेफ्ट और SR ऑयल की $13 बिलियन की, देन 2007 में वोडाफोन हच की $11 बिलियन की, और 2012 में केयर्न वेदांता की $9 बिलियन की। तो ये जो डील हुई है ये हमारे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी डील हुई है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन है। ये दोनों पॉइंट वॉलमार्ट और सऊदी वाला याद कर लीजिएगा, मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए। तो हाँ रिलायंस अपना फाइबर नेट जियो फाइबर भी लॉन्च कर रहा है, हमारे मिर्जापुर में तो कोई इंटरनेट है नहीं, केवल एक BSNL की मोनोपोली है, अगर BSNL ने इंटरनेट खराब कर दिया, कुछ दिक्कत हो गई, सरकारी काम है यार, तो हमारा शो इसलिए कैंसिल होता है। मैं जल्दी से बना रहा हूं कि रिलायंस का फाइबर आ जाए मिर्जापुर में और पहला कनेक्शन तो मैं ही लूंगा है ना, जिद है तो जिद है, वैसे भी मिर्जापुर है, ऑल अबाउट दबंगई। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको हम दूसरी न्यूज देते हैं। देखिए सपोज दैट कि इनकम टैक्स वाले ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर रेट डाली और आपसे पैसे वैसे ले लिए, अपना पेनाल्टी लगा दी, आपको लगता है कि इनकम टैक्स ने आपके साथ गलत किया है, तो अब इनकम टैक्स की कंप्लेन आप कहां करते हैं, इनकम टैक्स की कंप्लेन कहां करते हैं, इनकम टैक्स के अपीलेट ट्रिब्यूनल में, मतलब एक तरह का ये कोर्ट होता है जहां पर फास्ट्रैक मामले सुलझाए जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा कंप्लेन आती है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक काम कर दिया है, अब उन्होंने एक लिमिट बना दी है कि अगर आपका इतने अमाउंट का लफड़ा होगा तभी आप एपिलेट ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर पाएंगे। देखिए मतलब क्या इसका, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर IT डिपार्टमेंट फॉर फिलिंग अपील्स। ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है, तो क्लियर पूरा हो जाएगा। देखिए
तो सीबीडीटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज द मॉनेटरी लिमिट फॉर एन अपील बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल टू ₹50 लाख फ्रॉम ₹20 लाख. मतलब अगर आपका 50 लाख रुपए या उसके ऊपर का मामला कुछ है, आपको लगता है कि इतना अमाउंट आपसे गलत लिया गया है, अब तभी आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हैं. पहले इसकी लिमिट कितनी थी? 20 लाख रुपए. इसको 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिया है. यकीन मानिए, बात इनकम टैक्स की है तो आपके एग्जाम के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है. ठीक. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज डन टू रिड्यूस लिटिगेशन. यहां पे लिटिगेशन का मतलब क्या हुआ? लिटिगेशन का मतलब जो ज्यादा मुकदमे आते थे उसकी वजह से देरी होती थी, तो इसको 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिया है. अच्छा, मान लीजिए आप अपीलेट ट्रिब्यूनल पे भी गए और आपको संतोष नहीं मिला, फिर आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में. तो अगर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अमाउंट बढ़ेगा तो हाई कोर्ट में जाने का अमाउंट भी बढ़ेगा आपका, और सुप्रीम कोर्ट में का अमाउंट भी बढ़ेगा. और इससे डबल हमेशा होता है. अगर 50 लाख रुपए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का है तो 1 करोड़ हो जाएगा हाई कोर्ट का और 2 करोड़ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का. अपने आप ये नियम है, ये रूल है. देखिए आपको दिखा भी देते हैं. तो हाई कोर्ट की लिमिट कितनी कर दी गई है? डबल कर दी गई है, बढ़ाकर कितनी? 1 करोड़ रुपए, 50 लाख से. सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2 करोड़ कर दी गई है, 1 करोड़ से. और आपको मैं टेबुलर फॉर्म में दिखा देता हूं, यहां पर मैंने ये दिया था इसीलिए. तो देख लीजिए, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहले ये लिमिट 20 लाख थी, बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया. हाई कोर्ट में ये 50 लाख थी, बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया. और सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ थी, बढ़ा के 2 करोड़ रुपीस कर दिया गया. ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है. बात टैक्स की हो रही है, टैक्स की हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है. और कोई भी एग्जाम देने जाओ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया. इसे आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसे लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक, आइए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं. ठीक है, 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको हमारे देश में बनाया था, अभी तक चल रहा है. हेडक्वार्टर नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटरिएट बिल्डिंग न्यू दिल्ली. नॉर्थ ब्लॉक में कौन से मिनिस्टर बैठते हैं पता है आपको? कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ ब्लॉक में किसका ऑफिस होता है, तो नॉर्थ ब्लॉक में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस होता है. एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये सब. ठीक, चलिए. अनीता बोल रही है कि 50 लाख से कम अमाउंट वाले लोगों का क्या होगा? बेटा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने से तारीख पे तारीख मिलती है, तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही हो जाएगा फिर. ठीक नबिता, अभी तो हम अभी जो जो इंसान 50 लाख का टैक्स भरता होगा वो काफी पैसे वाला होगा. अभी हम लोग को बनने में टाइम है. मैं थोड़ा जल्दी बन जाऊंगा और मैं आप लोगों को भी उतना बढ़ा दूंगा, तो अभी हम लोग को टाइम है, तो अभी टेंशन क्यों लें, अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. आप लोग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं? एनपीसीआई नहीं जानते तो जान लीजिए. जो भी आप लोग ये सब यूज करते हैं ना, यूपीआई, भीम एप्लीकेशन, ये सब एनपीसीआई की ही देन है. एनपीसीआई हमारे देश में रिटेल पेमेंट का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. रिटेल पेमेंट, रिटेल मतलब फुटकर में, जैसे हम लोग फुटकर में पेमेंट करते हैं ना, मूवी देख लिया, बर्गर खा लिया, पेमेंट कर दिया, तो रिटेल पेमेंट के लिए एनपीसीआई. एनपीसीआई ने क्या बताया कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपके बैंकिंग एग्जाम में काफी बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्रॉसेस 200 मिलियन ट्रांजेक्शन इन जुलाई. जुलाई में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में 200 मिलियन ट्रांजेक्शन को पार कर लिया है. ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है मैं थोड़ा समझाऊंगा. दोस्तों सुनना, थोड़ा मैं टाइम लूंगा, सुनना बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ठीक है, जिन्होंने मेरा पेड बैच लिया होगा उनको तो ये पता ही होगा अच्छे से. देखिए, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा. जैसे कि मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, ये एक शहर है. इस शहर में एक ऐसा पार्ट जो कि रूरल एरिया है, और यहां पर एक भी बैंक नहीं है, बिकॉज इस एरिया का थोड़ा मोड़ा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है. अब इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे लोग रहते हैं, यहां पे लोग रहते हैं, और उन्होंने बैंकों में अपना अकाउंट भी खुलवाया, लेकिन ये बेचारे इतना दूर आ जा नहीं सकते. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो बैंक होता है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना कोई एजेंट अपॉइंट करेगा, जैसे LIC के एजेंट होते हैं, अपना कोई एजेंट अपॉइंट करेगा. ये एजेंट आके गांव में बैठ जाएगा, एक जगह पे कैंप लगा देगा अपना. ठीक है, इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास होगा BFD. अब BFD का मतलब क्या होता है बेटा? BFD का मतलब होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन. आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एक मशीन नहीं होती, इसमें थंब इंप्रेशन करते हो आप, तो इसके पास एक BFD मशीन होती है, और एक क्या होता है, और एक होता है माइक्रो ATM. माइक्रो ATM इसके पास होता है. माइक्रो ATM का मतलब जो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं होती, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का मतलब जिसे हमने अपने से नाम दे दिया स्वैप मशीन,
कार्ड वाला, ये वही मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन की हम बात कर रहे हैं, इसके पास होता है। तो अब जिस भी कस्टमर को पैसे विदड्रॉ करने हैं, पैसे जमा करने हैं, फंड ट्रांसफर करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके आना है और अपना डेबिट कार्ड लेके आना है। आप इसके पास आइए, ये आपसे फिंगर थंब इंप्रेशन करा लेगा, तो आपका आइडेंटिटी आ जाता है उसका, हाँ ये सही पर्सन है। आप कार्ड स्वैप करिए, आपको कैश चाहिए, तो इस बंदे के पास कैश होता है, वो कैश आपको दे देगा। आपको डिपॉजिट करना है, आप इस बंदे को डिपॉजिट कर दे दीजिए, वो बैंक में जमा कर देगा। आपको फंड ट्रांसफर करने हैं, तो ये मशीन थोड़ी हाईटेक होती है, इसीलिए हम माइक्रो एटीएम बोले हैं, आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे एरियाज जहां पर बैंक की ब्रांच नहीं है, वहां पर बैंक इस तरह से वर्क करते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी बच्चे बैंकिंग की हार्डकोर तैयारी कर रहे हैं, आप जब इंटरव्यू में आते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बात बताओ कि यार तुम अपने बैंक का बिजनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बता देना, वो इंसान खुश हो जाएगा सामने वाला इंटरव्यूअर, यार इसको तो बता, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंफॉर्मेशन देख लीजिए पूरी की पूरी। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का जो ट्रांजैक्शन है वो जुलाई के मंथ में 200 मिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। तो ये आपको लर्न करना है, ये ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, और इसमें इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एनपीसीआई के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। तो एनपीसीआई का हिंदी में नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। मैं लिख दे रहा हूं पूरा, वरना आप कंफ्यूज होगे। सेक्शन 8 मतलब ये कंपनी एक्ट 1956 बोलो या 2013 बोलो, तुम लोग परेशान करोगे मुझे, इसके सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। इसका काम है हमारे देश में पेमेंट को वॉच करना। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2008 में है। तो एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2008 में। ठीक, आगे बढ़े। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा, और इसके एमडी सीईओ है दिलीप अजबे। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं आपसे अब प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये सब आप जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनको ये सब पता होना चाहिए, एसएससी लेवल वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, बैंकिंग वालों को पूरा पता होना चाहिए। आईएमपीएस, रुपे कार्ड जो हम यूज करते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा था यहां पर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आजकल हम सब लोग यूज कर रहे हैं, लाइक यूपी, लाइक योनो एप्लीकेशन, लाइक फोन पे, लाइक गूगल पे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम भीम बीसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, आधार कार्ड को जानने के लिए। ठीक, एंड भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, यूएसएसडी स्टार डबल लाइन हैशटैग। तो ये सब एनपीसीआई के ही प्रोडक्ट थे, एंड बैंकिंग वाले बच्चों को ये याद रहना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में आपको हम कौन कौन सी न्यूज लेकर आपके लिए आए हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, कनाडा की बियांका एंड्रिस्को ने रॉजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 जीता है। किसको हराया उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। कैनेडियन टीनेजर बियांका एंड्रिस्को विंस रॉजर्स कप 2019। ये टेनिस का टूर्नामेंट है, कौन हारा है आइए आपको दिखाते हैं इसकी न्यूज। देखिए यहां पर, ठीक गाइस, सेशन को लाइक कर दीजिए, स्क्रीन डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, देखो सब भावनाओं को समझने वाली बात है बेटा, कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर, सॉरी देखिए। तो कैनेडियन टीनेजर बियांका, इनका नाम जो मैंने बताया बियांका एंड्रिस्को, विंस रॉजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 जो कि टोरंटो कनाडा में हुआ था। तो रॉजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट है, कहां पर हुआ था, यहां पर हुआ था टोरंटो कनाडा, और कौन जीता नाम आपको मालूम चल गया, कनाडा से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया। तो टेनिस की एक न्यूज, रॉजर्स कप की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, और दूसरे न्यूज की बात करें, देखिए जोकोविच, नाम तो सुना आपने, जोकोविच रिमेंस एट टॉप ऑफ एटीपी रैंकिंग। एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, तो जो रैंकिंग होती है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एटीपी रैंकिंग आ गई है, टॉप पे कौन है आइए देखते हैं वहां पे लिस्ट पूरी। रैंक फर्स्ट नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बनता है किस देश के खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर राफेल नाडाल है, ये कहां के हैं, राफेल नाडाल कहां के जरा मुझे कमेंट करिएगा। थर्ड नंबर पे रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड, और फोर्थ नंबर पे डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया। ठीक, फ्रेंच ओपन जीतते हैं हमेशा, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो इसकी बात कर रहे थे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस।
आगे बढ़ते हैं और आपको हम 2019 विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप को एक बार रिवीजन करा देते हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, एग्जाम में ये आता है। विम्बलडन की बात करते हैं, देखिए मैन सिंगल किसने जीता, मैन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता है। विम्बलडन का मैन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता, इन्होंने रोजर फेडरर को हराया था, इन्होंने रोजर फेडरर को हराया था फाइनल में। और नोवाक जोकोविक का ये 16th ग्रैंड स्लैम था और पांचवा विम्बलडन टाइटल था। ग्रैंड स्लैम का मतलब जो सारे इवेंट होते हैं, तो 16वां ग्रैंड स्लैम और पांचवा इनका विम्बलडन टाइटल था। ठीक, वुमेन सिंगल की बात करें, कौन जीता, सिमोना हेलेप जीती। सिमोना हेलेप ने किसको हराया, तो सिमोना हेलेप ने हराया किसको, सेरेना विलियम्स को, ये देख लीजिए। और अगर हम बात करते हैं सिमोना हेलेप की, रोमानिया से बिलोंग करती हैं, तो इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम था, पहला इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है, 2018 वाला, ये भी इंफॉर्मेशन। मेंस डबल, देखिए मेंस जो बड़े इवेंट होते हैं लाइक विम्बलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, उसके डबल भी आपसे पूछे जाते हैं, केवल सिंगल नहीं, तो वो भी आपको लर्न करना है। हमको, हमने आपको स्लाइड पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो विम्बलडन की इंफॉर्मेशन आपके सामने है, पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा, इसे आपको रिवाइज कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बॉय सिंगल और गर्ल सिंगल भी होता है, हमने उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है कि कोई डेटा आपको छूटे ना, विम्बलडन की बात कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया जुलाई में हॉल ऑफ फेम ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, कहां पर हुआ था, न्यूपोर्ट यूएसए में हुआ था। तो सिंगल किसने जीता, जॉन इश्नर, मैंने आपको ये पढ़ाया था गाइस, और जॉन इश्नर का ये 4th हॉल ऑफ फेम टेनिस टाइटल था। और डबल्स की भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, हालांकि डबल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो हॉल ऑफ फेम टेनिस की बात करें, जॉन इश्नर यूएसए बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये इवेंट जीता, ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिखाई हुई है, ठीक है। और देख लीजिए यहां पर 2019 मुटुआ मैड्रिड ओपन टेनिस स्पेन का, तो मैड्रिड ओपन की बात कर लें, मेन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक, और वुमेन सिंगल किक्की बर्टेंस ने जीता, जो नीदरलैंड की हैं। तो हमने आपको ये सब भी इंफॉर्मेशन दी जो जुलाई में टेनिस के इवेंट हुए थे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी न्यूज आए तो आप आराम से कर लें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे भी और रिविजन भी कराते रहे आपका, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, भूल जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे, बुक्स एंड ऑथर का रिवीजन भी हमारे पास है, ठीक है गाइस। थोड़ा सा सेशन को शेयर वेयर किया करिए, लाइक किया करिए, देखो स्क्रीन डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है वो कर सकते हैं, है ना। आइए बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं। तो श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ श्रीदेवी। तो श्रीदेवी के लाइफ पर एक बुक आ रही है जिसका नाम है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। आइए इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द बुक टाइटल श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, ठीक। ओकेजन, किस ओकेजन पे ये बुक लॉन्च की जाएगी, श्रीदेवी की 56वीं 56th बर्थ एनिवर्सरी। तो श्रीदेवी की 56th बर्थ एनिवर्सरी में ये बुक लॉन्च की गई। इस बुक को किसने लिखा है, सत्यार्थ नायक ने लिखा है, इस बुक को सत्यार्थ नायक ने लिखा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, याद करना है आपको, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, रिवीजन की बात कर लेते हैं बुक की। तो बुक में कौन कौन सा रिवीजन आपको हम यहां पे दिखाएंगे, देखिए पहला आपको मैंने पढ़ाया था कल ही, वेंकैया नायडू के 2 साल ऑफिस में पूरा होने की खुशी में एक बुक लॉन्च की गई है, लिसनिंग लर्निंग लीडिंग। अमित शाह ने बुक लॉन्च की थी चेन्नई में, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। दूसरी न्यूज, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान की एक बुक आई है, रिसर्जेंट इंडिया, याद है ना, पढ़ाया था मैंने आपको। तीसरी बुक, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बुक को ऑथर्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ एंड कैरोल एन ब्राउन। इनकी बुक का टाइटल क्या होगा, टूल्स एंड वेपन्स द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ द डिजिटल एज, पढ़ाया मैंने आपको। एक नेक्स्ट बुक, इंडो पाक रिलेशनशिप बियॉन्ड पुलवामा एंड बालकोट, ये यूवी सिंह ने लिखा था, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ा चुका हूं, और आपके आपके पीडीएफ में सारी चीजें होंगी बेटा। हाँ, और देख लीजिए एक बुक यहां पर, तो बुक बेस्ड ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, बुक का नाम चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। इस बुक को किसने लिखा, श्री हरिवंश एंड रवि दत्त वाजपेयी ने। इस बुक को रिलीज किसने किया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और देख लीजिए यहां पर एक बुक है, टाइटल न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। इस बुक को नरेंद्र जाधव जी ने लिखा और इस बुक को रिलीज किया था मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। तो ये सब भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, याद करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी, ठीक। और देखते हैं, चलिए तो ये पॉइंट हो गया, अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट में कौन कौन से पॉइंट हमारे पास है, आइए देखते हैं वहां पे। देखिए
दुनिया की सबसे ऊंची झील, स्टैटिक की हम बात कर रहे हैं। अभी दो तीन दिन पहले ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चों ने बोला था कि सर जो नए अपडेट हैं स्टैटिक के वो करा दीजिए। ये बिल्कुल सही आपने बोला था। देखिए, 21 और अपडेट हो गई है। देखिए, काजन सारा लेक हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। दुनिया की सबसे ऊंची झील नेपाल में यह पाई गई है। ठीक, तो काजन सारा झील ने दुनिया की सबसे ऊंची झील होने का नया रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी थी, वो किस देश में थी, वो भी आपको हम बताएंगे। वो भी नेपाल में ही थी। देखिए, काजन सारा लेक जो कि नेपाल के मनंग डिस्ट्रिक्ट में है, इसे वर्ल्ड हाईएस्ट लेक बोला गया है और ये रिप्लेस करेगी तिलिचो लेक ऑफ नेपाल। तो नेपाल की ही पहले कौन सी झील थी, तिलिचो, उसको ये रिप्लेस कर देगी। कौन सी झील, काजन सारा लेक। एसएससी वाले, रेलवे वाले, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर, द मेजरमेंट ऑफ द लेक विच इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5200 मीटर, मतलब 5200 मीटर एल्टीट्यूड पर ये है। ठीक है, इज एस्टिमेटेड टू बी 1500। ठीक है, और ये सब पढ़ने नहीं है, 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है। ठीक, कैजन जो लेक है इसमें बेसिकली पानी कहां से बना है, तो जो बर्फ है पिघलने से पानी बना, कहीं बाहर से पानी इस पर नहीं आया, ये इंफॉर्मेशन यहां पे दी जा रही है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं तिलिचो लेक के बारे में। तो इसकी हाइट कितनी है, कितने हाइट पर है ये, 4919, ये बस इतना ही आपको लर्न करना है। उसकी हाइट कितनी थी वो देख लीजिए, तो उसकी हाइट थी 5200 मीटर और इसकी हाइट कितनी हो गई अब 4919, तो आराम से आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेपाल के बारे में स्टडी पॉइंट हमने बहुत बार पढ़ा है, तो आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। देखिए, तो पूरे विश्व में नेपाल ही ऐसा देश है जिसका झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है। झंडा आपने देखा है ना, दो त्रिभुज की तरह झंडा होता है इनका। द नेपाल फ्लैग इज द ओनली नेशनल फ्लैग दैट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल इन शेप, इट मेक्स टू ट्रायंगल, द ट्रायंगल आर सेड टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। ये भी देख लीजिए नेपाल के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक, नेपाल 2006 तक पूरे वर्ल्ड का एकमात्र और लास्ट हिंदू नेशन था, लेकिन 2006 के बाद अब ये हिंदू नेशन नहीं है, लास्ट हिंदू कंट्री। नेपाल के बारे में स्टडी पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तो हम चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां का प्रेसिडेंट कौन है, वो तो हमें लर्न है ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेपाल इज द बर्थ प्लेस ऑफ द लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा सिद्धार्थ गौतम जो बुद्धा जी हैं, वो कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। अच्छा, नेपाल हैज 8 out of 10 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स, तो पूरे विश्व के जो टॉप 10 माउंटेन है हाईएस्ट, उसमें 8 नेपाल में ही है अकेले। ठीक, और देख लीजिए, नेपाल की नेशनल एनिमल क्या है, तो काऊ है, काऊ, तो नेशनल गाय है, तो ये भी देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जिसे हम लोग हिमालय पर्वत बोलते हैं, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, आपको पता ही है चीज। देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये नेपाल के बारे में कुछ स्टडी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, नेशनल अफेयर्स में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं, दूरदर्शन प्रोड्यूस्ड अ पैट्रियोटिक सॉन्ग वतन। 15 अगस्त के मौके पर दूरदर्शन ने एक गाना वतन जारी किया है। ये देखिए हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बैठे हुए प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक, वतन, वतन याद रखना। तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैज रिलीज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग वतन, ठीक, टू मार्क द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2019। वतन, ये आपको, ये पार्ट आपको लर्न करना है। ठीक, अब इस गाने को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, सारी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। द सॉन्ग इज संग बाय सिंगर जावेद अली, तो जावेद अली ने इस गाने को गाया है, इस गाने को गाया है। इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं, इसके लिरिक्स आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं, आलोक श्रीवास्तव ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, एंड म्यूजिकली कंपोज बाय दुष्यंत, और इस म्यूजिक को कंपोज किया है दुष्यंत ने। ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त आपके एग्जाम में मेजर रोल प्ले करेगा, 15 अगस्त के पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। उसमें एक न्यूज ये है, हम वतन सॉन्ग की बात कर रहे हैं, वतन सॉन्ग किसने गाया, किसने इसके लिरिक्स लिखे हैं, किसने इसे कंपोज किया है, वो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ठीक है, और ये दूरदर्शन ने प्रोड्यूस किया है सॉन्ग, तो ये भी आपको पता चल गया। हमारे देश के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, तो ये भी आपको मालूम चल गया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो जो न्यूज मुझसे छूट गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 4 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक मैं नहीं था आपके बीच में, मैं था इस दुनिया में ही था, मतलब मैं YouTube पे नहीं था, तो जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे लग रही है जो मुझसे स्किप हो गई है, वो मैं जरूर आपको दे रहा हूं। आपको पता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने खरीफ क्रॉप्स के
एमएसपी इंक्रीज कर दिए, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा बिकॉज उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बात एग्रीकल्चर की हो रही है तो मैं आपको हाइक बता रहा हूं कितना प्राइस एमएसपी का हो गया खरीफ क्रॉप्स में। इंफॉर्मेशन अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में बता देना कि हां सर इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी आपकी। ठीक है, देखिए सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजावम, तूर दाल, उड़द दाल, ज्वार, रागी एंड कॉटन, इन सब के प्राइस कितने हो गए हैं वो चीज आपके सामने है। ठीक है, एक बार पीछे आते हैं देख लीजिए यहां पर इंडियन रुपीस पर क्विंटल, तो ये पर क्विंटल का प्राइस आपको दिखाया जा रहा है 311, 262, 236, तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही है, इसे याद कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, खरीफ का सीजन, ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको एक न्यूज और देते हैं, बात है एयर इंडिया की। ठीक है, देखिए तो ऑल इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ओवर द नॉर्थ पोल फ्रॉम दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को। तो पहले क्या था, कोई भी इंडियन जो एयरक्राफ्ट था वो आपके नॉर्थ पोल के ऊपर से नहीं उड़ता था। मतलब फॉर एग्जांपल हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो पहले क्या था, पहले एयर इंडिया या किसी भी एयरलाइन को फॉर एग्जाम्पल चाइना, म्यांमार, जापान, उसे क्रॉस करते हुए हम अटलांटिक ओशियन क्रॉस करते हुए यूएस की तरफ जाते थे, ये लंबा रूट था। लेकिन अब क्या है, हम नॉर्थ पोल से जाएंगे। देखिए आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तो ऑन द नेशंस इंडिपेंडेंस डे एयर इंडिया विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन, फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू फ्लाई ओवर द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल वाइल कनेक्टिंग न्यू दिल्ली एंड नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए अब नॉर्थ पोल की तरफ से फ्लाइट जाएगी। नॉर्थ पोल वाला जो जोन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूल फ्लाइट जोन। कूल फ्लाइट जोन थोड़ा सा खतरनाक होता है बट सिस्टम अपग्रेड करने के बाद आप जा सकते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये पार्ट आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अभी राइट नाउ कैसे कौन सा रूट यूज होता है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, जापान, उसके बाद पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करने के बाद यूएस की तरफ हम जाते थे। तो अभी नॉर्थ पोल से हमारी फ्लाइट जाएगी, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रहे थे। अच्छा एक बात समझिएगा, मैंने आपको जो अभी एनआईए एक्ट जो पास हुआ था मैंने उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, राइट टू इंफॉर्मेशन के न्यू एक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आज मैंने एक इंफॉर्मेशन ऐड की है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019। आपको पता है कि मुंबई बम धमाकों के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया था एनआईए, और एनआईए की देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं आज का जो युवा है वो थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से जागरूक हो गया है। आप पहले की तरह दूरदर्शन पे क्या गवर्नमेंट बोलती है हमें मालूम चलता नहीं था, जो किसी ने बोला न्यूज पर हमको हमने मान लिया, लेकिन आज हमको सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, क्यों, क्योंकि इंटरनेट की क्रांति आई। तो उसी में देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया तो गया था बेटा, लेकिन क्या एनआईए के पास पहले पावर थे, आइए दिखाते हैं आपको, देखिए आप खुद फैसला करिएगा। देखिए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो बिल आया है इसने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 को अमेंड कर दिया है, अमेंड किया मतलब संशोधित किया है, तो 2008 वाला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल जो है वो अमेंड हुआ है, और नया बिल कौन सा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019। तो ये आपको याद रहेगा। देखिए तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, एंड प्रोवाइड फॉर अ नेशनल लेवल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंस लिस्टेड इन अ शेड्यूल। शेड्यूल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। शेड्यूल ऑफेंस का मतलब होता है वो सारे ऑफेंस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, और जैसे जो फिरौती मांगते हैं ना, मतलब रैमसम मांगते हैं, हर केस में एनआईए जो है वो अब ताकतवर हो गया है, एनआईए हर चीज में जांच करेगा। मतलब एनआईए को तो करप्शन भी देखना चाहिए मेरे ख्याल से, एनआईए को जो भी ओवरसीज ब्लैक मनी ये सब होती है वो भी देखना चाहिए। देखिए आगे, अच्छा और क्या बोला गया, देखिए शेड्यूल ऑफेंस आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाई एनआईए। These offenses under Act such as Atomic Energy Act and Unlawful Activities Prevention Act. Atomic Energy भी तो sensitive case है, उसमें जो political party चाहेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो किस country से deal कर रही है, क्या deal कर रही है, क्या हमको मालूम चलता है, क्या नहीं मालूम चलता है। भोपाल गैस त्रासदी देख लीजिए ना, इतना बड़ा हादसा हो गया आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। देखिए और क्या बोला गया, अनलॉफुल, वही मैं बोल रहा हूं। तो ये सारे एक्ट को संशोधित किया गया है ताकि एनआईए को इसमें भी पावर मिले, इसमें भी पावर मिले, यही वे भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए बिल सीक्स टू अलाउ एनआईए टू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग ऑफेंस इन एडिशन, एक्स्ट्रा में देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी जो होती है, ठीक, और देख लीजिए यहां पर
बैंक नोट का जो करेंसी का काउंटर, मतलब वही ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, जो आर्म्स लोग नहीं, जैसे बिहार में 41-43 निकल गया पहली बार, तो कैसे हो गया ये सब, ठीक। साइबर टेररिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइबर टेररिज्म एंड ऑफेंस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तो ये सब भी अब एनआईए जांच करेगा। और सबसे मजे की बात क्या है पता आपको, कि अब एनआईए इंटरनेशनल जांच भी करेगा, और श्रीलंका में जो ईस्टर बम धमाके हुए थे उसकी जांच भी एनआईए को मिल गई, आपको ये पता होगा। तो ये एनआईए का जो एक्ट था, आपको देखो ये सब पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़, बिल का नाम और ये बिल किसको अमेंड कर रहा है, ये दो ही पार्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके लेवल पर, यूपीएससी के लेवल पर और डीप में पूछे जा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहां पर मैंने दी, लेकिन आपके एसएससी रेल रैंकिंग में इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक, तो ठीक है, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अवार्ड एंड प्राइजेस की बात करेंगे, अवार्ड एंड प्राइजेस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर, तो अवार्ड एंड ऑनर में हम बात करने वाले हैं नेशनल यूथ अवार्ड की, नेशनल यूथ अवार्ड कन्फर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस वर्क। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मिस्टर किरण रिजिजू ने प्रदान किए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, कितने लोगों को मिले आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए, द यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कन्फर्ड द नेशनल यूथ अवार्ड, हमारे देश के मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू, इन्होंने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, द अवार्ड वेयर कन्फर्ड टू 20 इंडिविजुअल, 20 लोगों को ये अवार्ड मिले जिनकी एज 15 से लेके 29 साल थी, और 3 ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिए गए। नंबर्स आपको लर्न करने हैं, नंबर्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, नंबर्स में, तो नंबर्स आपको याद रखने हैं। कार्तिक बेटा देखिए, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स होता है, कोई चैनल ऐसा हो जो केवल रेलवे के लिए चलाता हो तो एक बार आप वहां पर जाइएगा, उनके कंटेंट मैच करिएगा, हमारे कंटेंट मैच करिएगा, ठीक है, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा बेटा, ठीक है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, और अवार्ड में कुछ रिविजन करा दें आप लोग का। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2018-19 जो कि अभी जुलाई में दिए गए, जून में दिए गए, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लें। देखिए, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर आशालता देवी को अवार्ड मिला, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को अवार्ड मिला, एमर्जिंग वुमेन्स फुटबॉलर डेंगमेई ग्रेस को मिला, मणिपुर की हैं ये, ठीक, तो ये भी इंफॉर्मेशन देखिए एक्स्ट्रा है आपके रिवीजन करने के लिए। एमर्जिंग मेंस फुटबॉलर अब्दुल सहल केरला के हैं, बेस्ट ग्रासरूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का एक प्रोग्राम था उसको ये अवार्ड मिला, बेस्ट रेफरी आर वेंकटेश तमिलनाडु के, इनको ये अवार्ड मिला, तो हमने ये भी आपका रिवीजन करा दिया अवार्ड एंड ऑनर में ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का अवार्ड, कपिल देव को भारत गौरव अवार्ड मिला, आपको मैंने ये पढ़ाया, ये तो मैंने पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया। भाईचंद भूटिया को आइडेंटिफाइंग एंड नर्सिंग द आइकन अवार्ड मिला, फॉर्मर फुटबॉलर मनोरंजन भट्टाचार्य एंड भास्कर गांगुली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इसी इवेंट में। फुटबॉलर पीके बैनर्जी को कोच ऑफ द कोचेस का अवार्ड मिला, एंड लेल डेनमाविया को बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो ये भी हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ताकि ये चीजें आप भूले ना। पीडीएफ आपके पास होगा तो आप इसे रिवाइज करते रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब प्रपेश थैंक यू सो मच। चलिए अब समय आ चुका है एक्स्ट्रा हाईलाइट का, आइए खत्म करते हैं जल्दी से। देखिए एक्स्ट्रा हाईलाइट में हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटरीज की, और आइवरी कोस्ट के एक डीजे थे अराफात जिनका निधन हो गया, तो काफी ये फेमस पर्सनालिटी हैं, म्यूजिक स्टार डीजे अराफात पास्ड अवे, तो ये आपको पहली न्यूज याद रखनी है, ठीक है, तो इनका निधन हो चुका है डीजे अराफात। डीजे अराफात याद रखना मुश्किल नहीं है, आइवरी कोस्ट के थे ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये पहली न्यूज हमारे यहां। दूसरी न्यूज, आर्मी लॉन्चेस मिशन रीच आउट इन जम्मू, आर्मी ने किस स्टेट में मिशन रीच आउट शुरू किया, जम्मू में, जम्मू में आर्मी ने कौन सा मिशन शुरू किया, मिशन रीच आउट, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। रीच आउट का मतलब क्या है, देखिए, द आर्मी हैज लॉन्च मिशन रीच आउट वॉज चेयर्ड बाई व्हाइट नाइट कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह इन जम्मू, परमजीत सिंह ने शुरू किया इसका बेटा, मतलब है कि 370 के बाद जो सारे सर्विसेज खत्म कर दिए गए थे उसको शुरू करना, बेसिक नेसेसिटीज जो जम्मू कश्मीर की हैं उनको पहुंचाना, तो ये है मिशन रीच आउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स मोटिवेशन आपके सामने है। ऐश्वर्या पिस्से विंस FIM बजाज वर्ल्ड कप, तो FIM बाजस विश्व कप जो है ये ऐश्वर्या पिस्से ने जीता, ये फर्स्ट इंडियन भी हैं। देखिए यहां पर ऐश्वर्या पिस्से मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड टाइटल इन मोटर स्पोर्ट्स एज शी वॉन द FIM वर्ल्ड कप इन वुमेन कैटेगरी। ये सब जो रेस होते हैं ना ये कई देशों में चलते हैं, तो जो लास्ट राउंड था वो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में, हंगरी में, ठीक है, हंगरी में हुआ था,
तो हंगरी में इन्होंने ये प्राइज जीता, मतलब ये रेस जीती। तो हर रेस में पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट के बाद ये पहले नंबर पे आ गए। तो नाम क्या है इनका? ऐश्वर्या पिस्से। इन्होंने FIM वर्ल्ड कप जीता है इन वुमेन्स कैटेगरी। ठीक, तो ये भी पार्ट आपको याद रखना है, याद करना है। ठीक, आइए एक नेक्स्ट। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने बोल दिया है कि अक्टूबर 31 अक्टूबर को दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जो है वो पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएंगे। टू न्यू यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन अक्टूबर 31st। 31st अक्टूबर क्या है जी, क्या है उस दिन, जरा मुझे बताओ। 31st अक्टूबर को क्या है बताइएगा मुझे। हाँ चलिए, तो 31st अक्टूबर से शुरू होगा, ये डेट याद रखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। सरदार पटेल जी का है जी, हाँ क्या है, जन्मदिन है। चलिए अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला टू सपोर्ट टू द केरला स्पेस पार्क प्रोजेक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो केरला में केरला स्पेस पार्क बन रहा है, तो इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। हमारे एमसीक्यू में भी आपको बहुत सारी नई न्यूज मिलती होगी, तो एमसीक्यू को भी देखिए जरूर और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। कार्तिक थैंक यू सो मच भाई। और इसका आंसर क्या होगा, अरविंद ने बोला है इसरो, लेकिन इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ऑप्शन नंबर 4D इज राइट आंसर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और केरला गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पर। हमारा नेक्स्ट न्यूज आपके सामने, देखिए, व्हाट वॉज द थीम ऑफ 2019 इंटरनेशनल यूथ डे। तो आपको पता है कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है। थीम मैंने आपको पढ़ाई थी, आंसर आप कुछ मुझे आप चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। प्रपेश भट्ट, यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, और अभी अभी हम लोग जुलाई मंथ का फिर से एमसीक्यू लेके आ रहे हैं गाइस। ये जुलाई मंथ का हमारा तीसरा है 100 क्वेश्चन, है ना, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों की। एंड द आंसर इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीन एम्बेसडर ऑफ मणिपुर। आई थिंक सारे बच्चे इसका आंसर दे लेंगे, सिंपलेस्ट क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो याद हो जाएगा, तो इस पर हम टाइम कम लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, वेलेंटीना एलन गबैन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विथ आईनॉक्स PVR एंड सिनेपोलिस टू शोकेस UEFA सुपर कप 2019 मैच लाइव इन थिएटर। देखो एक नई न्यूज आपको और मिल गई, एक नई न्यूज आपको मिली केरला वाली और एक नई न्यूज आपको ये मिल गई। आंसर क्या होगा देख लीजिए, सोनी ESPN टेन स्पोर्ट्स और स्टार क्रिकेट। मुझे आपसे सही आंसर की उम्मीद है यहां पर, जल्दी से आंसर दें, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनू मुखर्जी बोल रहे हैं सोनी, लितुरानी बोल रहे हैं सोनी, सोनी सारे बच्चे सोनी बोल रहे हैं। एंड राइट आंसर इज सोनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अनटेड पोर्ट लाइनर शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स विच पोर्ट हैज बीन रैंक एज द बेस्ट कनेक्टिंग पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये भी आपको नई न्यूज है, तीसरी न्यूज नई न्यूज है। आंसर आप दीजिए, मतलब नई न्यूज का मतलब मे बी आपने पढ़ा हो बट मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, तो आंसर आपको देना है, क्या आंसर होगा। तो सिंगापुर का पोर्ट, शंघाई पोर्ट, रोटेंडम और क्विंगडाओ चाइना में ही क्विंगडाओ है, इंडिया कोई पोर्ट ही यहां पर नहीं है। वैसे आंसर क्या होगा देख लीजिए, यहां पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अभी नहीं आ रहा है, आप लोग रुके हैं, खामोश हैं। कविता बोल रही है सिंगापुर, ह्यूमैनिटी बोल रहे हैं क्विंगडाओ, सुनैना बोल रही है शंघाई। कितने लोगों ने तुक्का मारा है सब लोग बताओ जरा मुझे, अगर झूठ बोले तो सब विद्या मां कसम सबको है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मुझे क्या होगा। एंड राइट आंसर इज शंघाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मयंक तुम्हारा बेटा पक्का तुम्हारा तुक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक बेस्ड ऑन एम वेंकैया नायडू 2 years एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने अभी आपको रिविजन कराया तो मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको इसका आंसर पता है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, विजय पूछ रहे हैं सर आप फॉरेन गए हो, एक बार यार हम लोग गए थे नेपाल घूमने के लिए, तो रात में पहुंचे गोरखपुर बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे, तो रात में हम लोग को जाने नहीं दिया गया, तो रात भर लोग वहीं पे रहे, फिर सुबह मूड नहीं हुआ जाने का, मतलब ये हुआ कि चलो चलते हैं, गोरखपुर से वापस आ गए, तो फॉरेन जा नहीं पाए भाई, गलती से मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who won gold medal in 65 kg men's freestyle competition at Tbilisi Grand Prix? और ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया? मैं फॉरेन गया कि नहीं गया? हाईएस्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. हाँ, अमित शाह ने. जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं रामा दुबे जी. आप इस क्वेश्चन का आंसर दें. सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बजरंग पुनिया, हमको पता है 65 kg कैटेगरी में जीता है इन्होंने, चौथा गोल्ड मेडल है, यह भी आपको मालूम ही है. हाँ, गोरखपुर से शुरू होता है ना कविता. हाँ, मुझे लगा तुक्का है आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी लॉन्चेस इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी ओएस? मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैंने यह भी बोला था कि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर क्या होगा इसका? और इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हुआई. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. प्रांजल फॉरेन के बगल में रहते हैं, कभी फॉरेन घूम आइएगा एक बार. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन एडेड टू द मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स व्हाइल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिमूव फ्रॉम इट्स इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स? आंसर दे. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है. और इसका आंसर क्या होगा? हाँ प्रपेश, नहीं, आप हुआई के फोन लेंगे तो आपको वहां पे उनका ओएस मिलेगा. उनका ओएस मिलेगा, वो जिस एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे आप उसी को डाउनलोड कर पाओगे, वो जिस फाइल को अलाउ करेंगे आप उसी फाइल को शेयर कर पाओगे. जैसे एप्पल में शेयर इट नहीं चलता है, वैसे ही इनका भी अपना सिस्टम होगा. और आंसर क्या होगा? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी एक नई न्यूज मैं आपको दे रहा हूं. आपको बताया कि मोटर अमेंडमेंट बिल पास हो गया, तो उस बिल में एक पॉइंट है कि हेडगियर का मतलब जस्ट लाइक हेलमेट होता है, हेडगियर बिकम्स मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन अबव दिस ईयर. तो नहीं लगेगा तो जुर्माना लग जाएगा. तो कितने साल के बच्चों को, बच्चों के ऊपर मतलब ये अब ये जरूरी कर दिया गया कि बच्चों को हेडगियर लगाना पड़ेगा? आंसर दीजिएगा. हुआई मैं दिखाऊं, ये ओप्पो वीवो हुआई, यार इस फोन से कोई खुश नहीं रहता है, कोई खुश नहीं रहता है. मुझे लगता है ऐसा कि फालतू का 10-15,000-20,000 लगाते भी हो, खुश भी नहीं रहते हो. इससे अच्छा कि कुछ पैसा और लगाकर कुछ दूसरा फोन ले लो, मेरी तरह खुश रहोगे लाइफ टाइम हमेशा. एंड राइट आंसर इज 4. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Congo? तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था. इनका नाम ही ऐसा है कि आपको ये याद हो जाएगा. कॉन्गो, कॉन्गो में कौन? कॉन्गो में घोटू राम मीना. कॉन्गो घोटू, मिलता जुलता नाम भी है. मैं केवल ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरे लिए, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं. रियल में अच्छा है. अरे वन प्लस का सरी, बाप रे बाप. अरे मैंने अपने मम्मी पापा को दिलाया था, आई थिंक एक साल पहले दीपावली में पापा को, मम्मी को गिफ्ट किया था फोन. वो हमेशा उसकी मेमोरी फिल हो जाती है, कभी वो लोडिंग ही होता रहता है, पता नहीं क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेटअप अ ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गैंगेस वाटर विद इंडिया अंडर इट्स गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996? तो कल ही हम लोग पढ़े थे ना बेटा. इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किसने किया था? जरा ये जो आंसर देगा, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, ये जो आंसर दे देगा उसे मिलेगा मेरी तरफ से एक बड़ा, ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, जो आप कहना चाहें. आंसर दीजिए. वन प्लस बस थोड़ा सा बड़ा सोचो भाई, तुम लोग थोड़ा सा अच्छा सोचो. आंसर क्या होगा? आंसर इज बांग्लादेश. इंडिया को उसने रिप्रेजेंट किया था. ये अभी तक आंसर नहीं. मयंक बोल रहे हैं, नहीं कौन बोला, म्यांमार, अनिल भैया, म्यांमार नहीं, बांग्लादेश है बेटा. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which year is set to set as target to achieve the goal of ending morbidity and mortality in children due to diarrhea? ये भी नया क्वेश्चन मेरे साइड से है. आंसर दीजिएगा जरा आप लोग. देखो कोई ये तो आंसर नहीं दे रहा है. उपेंद्र, पूरा नाम बताओ. गजेंद्र सिंह से क्या बात? अंकिता पॉल. अंकिता पॉल बेटा, इतना गलत कोई कैसे बोल सकता है? उपेंद्र प्रसाद, ये सर्च वर्च तुम लोग की, मैं मानूंगा नहीं सब. चलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर 2022. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछा गया है. आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताऊंगा 12 अगस्त ही होगा. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who won the most valuable player of the league award in the third edition of the Ultimate Table Tennis? तो कल मैंने आपको अल्टीमेट टेबल टेनिस किसने जीता ये बताया था. अब एक क्वेश्चन मेरा नया है यहां पर कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला इस लीग में, ये आपसे पूछा गया. ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास है, आंसर आपको सही देना है. मुझे सब दिखते हैं मयंक, ऐसा नहीं है. अब जो गलत आंसर देगा उसे गलत ही दिखेंगे ना. अच्छा प्रपेश सर आपकी बेटी भी है. एंड राइट आंसर इज साथी राम जी, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है. देखिए, विच टीम वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ द अल्टीमेट टेबल टेनिस, तो ये भी आपको पता है क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर है चेन्नई लॉयंस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the men's single title in the Hyderabad Open 2019, officially known as IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open? तो इसका आंसर ये मैंने कल आपको पढ़ाई दिया था, इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेसर आप एक्स सर्विसमैन है. सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों से काफी मोटिवेट हूं आपको देखकर. चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सौरभ वर्मा है, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's women cricket team created world record for most consecutive wins, 17 wins by surpassing Australian women cricket team 16 wins? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर थ्री. थाईलैंड इज राइट आंसर. अभी 10 o'clock पे हमारा फिर से सेशन है. 10 o'clock तो हो गया है, मतलब 5 मिनट में, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपसे जुलाई मंथ के फिर से 100 MCQs की. क्वेश्चन मेरे आंसर आपके एंड राइट आंसर दिखा दिया ना. हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज अनफर्ल्ड 15 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल फ्लैग. और भाई तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंटिटी विच हैज अनाउंस्ड 10 ईयर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड टू. ये मैंने आपको पढ़ाया था कल कि रिलायंस का और किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है अजूरे क्लाउड के लिए, याद करिए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. है ना, चलो. तो गाइज ये था हमारा सेशन एएम लाइव कोर्स, याद रखिएगा प्लस कोर्स के लिए. तो प्लस कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों यारों को सगी सहेलियों को इसके बारे में एक्सप्लेन करें. कोई भी कोर्स हो, यूपीटीटी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, कोड यहां पर एएम लाइव आपको दिखाई पड़ रहा है. थैंक यू सो मच गाइज, अभी आपसे फिर मिलते हैं और फिर मिलकर आपसे धमाल मचाते हैं किस पे, जुलाई मंथ के एमसीक्यूज पर. तो प्लीज एंड प्लीज थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. यूट्यूब चैनल हमारा क्या है, नाम होता है अनअकैडमी वॉल्ट. हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. तो गाइज थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और मिलते हैं आपसे फिर से अभी नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.